डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपको कक्षा 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धत का जो शेष पहले वीडियो के बाद रूल बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हम लोगों ने पढ़ा धन पुराण की विशेषताओं में हम लोगों ने 4 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया गया था, जिसमें पहला संदर्भ नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम, तीसरा साचर्य नियम, चौथा बंटन नियम या वितरण नियम। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आइए इसके आगे अगला विशेषता जो होगा वह इनिशियल नियम होगा। इनिशियल नियम क्या है? यदि तीन धन पूर्णांक संख्या हो या धन पूर्णांक हो तो ए धन बी इक्वल ए धन सी अगर यह कंडीशन आ रहा है आपके सामने, इस स्थिति में बी इक्वल आ जाएगा सी और ए इंटू बी इक्वल ए सी अगर आपके सामने कहीं यह कंडीशन आए तो यह रिप्लेस करेगा बी इक्वल सी। ए सी के योग में है, योग का निश्चय नियम कहलाएगा और ये गुणन में है तो गुणन का निश्चय नियम कहलाता है। अगला पांचवा जो होगा योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या होता है? किसी स्वच्छ पुराण ए के लिए ए धन जीरो इक्वल टू आपका होगा जीरो धन ए, जिसे प्राइम आएगा आपका ए, यानी किसी भी धन पूर्णांक में शून्य को जोड़ दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह शून्य होगा वह योगात्मक तत्समक कहलाएगा। जैसे यहाँ समझिए कहा गया है कि किसी धन पूर्णांक में शून्य को जोड़ा जाए, ऐसा किसी धन पूर्णांक में ऐसी कोई धन पूर्णांक बढ़ा जाए जिसको उसके मान में कोई परिवर्तन न हो तो वह जो संख्या छोड़ेंगे उस धन पूर्णांक में वह संख्या से क्या कहलाएगा? योगात्मक तत्समक, क्योंकि योग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन न आए। अगर दो धन आपका जीरो करेंगे, दो धन जीरो करेंगे तो कितना होगा? दो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह तीन धन में अगर जीरो करेंगे तो कितना होगा? तीन, यानी किसी धन प्राण के ऐसी एक धन प्राप्त जोड़ा जाए उसके मान में कोई परिवर्तन न हो तो वह जो ऐसी धन प्राण है यानी शून्य वह उसका योगात्मक तत्व कहलाता है। अगले क्रम में गुणनात्मक तत्व इसी तरह जैसे यहाँ होगा किसी स्वच्छ पुराण ए के लिए ए क्रॉस वन इक्वल टू वन क्रॉस ए इंप्लाइज का ए, ए को गुणनात्मक तत्व कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई धन पूर्णांक हो
धातु क्रांक कोई भी न उसमें ऐसे धातु क्रांक से भरा करें उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ प्रयोग करें यहाँ पर बुला करें यानी किसी धातु क्रांक में ऐसी धातु क्रांक संख्या से भरा करें इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। जैसे दो अलग एक का मल्टीप्लाई करके दो ही होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीन गुण एक करेंगे उसका होगा तीन ही होगा। अगर आप चार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा चार ही होगा। यानी एक ऐसी धातु क्रांक संख्या है जिसका किसी धातु क्रांक संख्या में गुणा किया जाए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक जो होगा वह पूर्णात्मक कहलाएगा। अगला आपका जो होगा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम किसी श्रेष्ठ पूर्णांक ए के लिए, धन पूर्णांक ए के लिए ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होगा। यानी ऐसा कोई धन पूर्णांक हो जिसका योगात्मक प्रतिलोम हो और दोनों को जोड़ा जाए तो योगफल शून्य हो जाए, योगफल शून्य हो जाए तो एक दूसरे क्या कहेंगे योगात्मक। जैसे दो है धन पूर्णांक का इसमें क्या जोड़े आपका शून्य होगा योगफल तो माइनस दो कर दें तो देखिए दो और एक प्लस माइनस आपका दो माइनस दो और ये आपका दो में दो जाएगा होगा शून्य। एक कंडीशन जा रहा है ये दोनों एक दूसरे की योगात्मक कराते हैं। जैसे दो है दो का योगात्मक माइनस दो होगा, उसी तरह माइनस दो है तो माइनस दो का योगात्मक प्लस दो कराएगा। क्लियर होगा। अगले क्रम में गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है उसी तरह ये है किसी स्वच्छ पूर्णांक के लिए कमा करके आप आगे लिखिए ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वन अपान ए होगा। अर्थात यहाँ पर रूल होगा वह रूल गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक हो उस धन पूर्णांक में ऐसी संख्या से गुणा किया जाए उसका गुणनफल एक हो जाए तो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे हमने ए लिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसका व्युत्क्रम कर दे रहे हैं व्युत्क्रम वन अपान ए और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे ए कैंसिल होगा कितना होगा ए। जहाँ यह कंडीशन आ जाए जान लीजिएगा कि दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे दो दो का गुणात्मक प्रतिलोम आपको लिखना हो दो इसका व्युत्क्रम उल्टा ए दो मल्टीप्लाई कीजिए पूरा करें कितना होगा ए तो दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा एक बटे दो होगा। एक बटे दो का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा दो होगा। दोनों का गुणा करने पर एक होने का कंडीशन होगा दोनों एक दूसरे के क्या कराएंगे गुणात्मक प्रतिलोम। अब आइए परिमेय संख्या नंबर आपका आएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है कि वह राशि जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए बल्कि क्यू का मान शून्य न हो बल्कि क्यू का मान शून्य न हो तो ये जो राशि होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या या पूछा परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या इस पर किया पान क्यू निरूपित करेगा क्यू मान जीरो क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। एक परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं ऋणात्मक होते हैं। जैसे आपका परिमेय संख्या धनात्मक का मतलब ये पाँच के साथ प्लस में ऋणात्मक और सात होते आठ ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात है इसी पर प्रश्नावली में स्टार्ट होगा प्रश्नावली 1.1 पहला ही सवाल हम इसी प्रसार करेंगे। देखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं
और ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो प्रश्न संख्या बराबर का ए प्लस बी अपन टू, यानी दो अगर कोई धन पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो उन परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या निकालते हैं ए धन बी अपन टू के रूप में कैलकुलेशन करते हैं। अनंत परिमेय संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आपके सामने आ जाए सात बटे दो और तीन बटे दो के बीच दो परिमेय संख्या तीन चार अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो पहली जो परिमेय संख्या निकालेंगे वो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे यानी सात बटे दो धन तीन बटे दो और बटे दो। अब यह आप देखिए सात हर समान है, सात तीन दस हो जाएगा बटे दो का बटे दो कितना आएगा तो पाँच, पाँच बटे दो पहली जो परिमेय संख्या होगा वो पाँच बटे दो होगा। इसी तरह ये सात बटे दो हो गया यानी दोनों बीच में पाँच बटे दो हो गया, अब आपका तीन बटे दो हो गया। अब इन दोनों के बीच पुनः ऐसे एडजस्ट करते हुए अनंत परिमेय संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने धन पूर्णांक के लिए विशेषताएं पढ़ाए आप भी हम परिमेय संख्याओं के लिए विशेषताएं उसी प्रकार उसी रूप को फॉलो करते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे हमने धन पूर्णांक को हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा था अभी इसमें भी जो पढ़े कुछ आप अभी पढ़े भी कई शायद पढ़े भी हैं उसमें से सारे ये आठों जो रूल्स आप पढ़े हैं विशेषताओं में ये सारे कंडीशन जो है परिमेय संख्याओं पर भी लागू होता है। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1।